हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक्स क्या होती हैं? एंटी साइकोटिक्स आर मेनली यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस सच एज सिजोफ्रेनिया और मेनिया कॉज्ड बाय बाइपोलर डिसऑर्डर। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन एंड सीवियर एनजाइटी। और ये किस किस को ट्रीट करती हैं? सीवियर डिप्रेशन हो सकता है और सीवियर एनजाइटी होगी। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या वर्क करती हैं। इट विल वर्क बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन, उनको ही ब्लॉक करती है। एंड सेकंड, इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है और उसके लेवल को भी ये इनहिबिट करती है। इंडिकेशन, डिलीरियम इसमें यूज करेंगे, डिमेंशिया, एनजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, इंसोमनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये वो डिसीज हैं जिनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड मेडिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ सेडेशन, ब्लड विजन, वीकनेस, बोन मैरो डिप्रेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, हाइपर एक्टिविटी, मिसट्रस्ट ऑफ अदर। फिर इसके अंदर देखते हैं साइड इफेक्ट्स। एक्यूट डिस्टोनिया हो सकता है, एकेस्थिया, सीडो पार्किंसन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इरेक्टाइल एंड ऑर्गेनिज्म डिसफंक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर, वेट लॉस। तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोवाइड द पेशेंट विल शुगरलेस कैंडी और गम, आइस एंड फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर। सिप्स करके वाटर पीना है, मतलब घुट घुट करके पानी पीना है। इंश्योर दैट द पेशेंट प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। एंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। स्टूल सॉफ्टनेस कैन बी एडवाइज्ड, और आपको जो स्टूल है वो सॉफ्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। मॉनिटर स्लीपिंग पैटर्न, एडवाइज द पेशेंट टू नॉट ड्राइव ए कार अंटिल विजन क्लियर। अगर विजन क्लियर नहीं है तो ड्राइव ना करें। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट होना चाहिए। प्रोवाइड डाइट एंड एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन, ये आपको फॉलो करना होगा। जो इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो आपको चेक करना होगा, और मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चार्ट है वो भी आपको मॉनिटर करना होगा कि पेशेंट ने कितना खाया है और कितना पास आउट किया है। अब देखने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट आर ए टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन फॉर प्रिवेंट इट रिकरिंग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो यूज की जाती है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। इसका इंडिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, ये हम दवाई किस किस में यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ होंगी। मेजर डिप्रेशन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे, डिसरेदमिक डिसऑर्डर होगा उसमें हम इस मेडिकेशन को यूज करेंगे। उसके बाद एंजाइटी में हम ये यूज करेंगे, एंड माइग्रेन हेडेक, जो माइग्रेन हेडेक है जो एक साइड हेडेक होता है उसमें भी। स्लीपिंग एपनिया, पैनिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर इस दवाई को यूज करेंगे। स्कूल फोबिया, जो बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं उसके अंदर इस ड्रग को यूज किया जाएगा। नाइट टेरर्स के अंदर इसको यूज किया जाएगा। एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन, जो हमारी ग्रीफ रिएक्शन होती है और जो एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन होगी उसके अंदर यूज करते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दीज ड्रग्स एलिवेटेड मूड एंड एलिवेटेड अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। दीज ड्रग्स अल्टीमेटली वर्क टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन इन द बॉडी। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसके अंदर। उसके बाद देखने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किस डिसीज के अंदर इस ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और कार्डियक डिसीज, जो रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है आपको, जैसे हार्ट के अंदर सेल्स की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर हम इसको नहीं दे सकते। कार्डियक डिसीज हो सकती है और कोई भी। सीवियर रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, अगर रीनल के अंदर कोई डिसीज़ है या लीवर के अंदर तो भी नहीं दे सकते हैं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो ग्लूकोमा की डिसीज़ है उसके अंदर भी, अगर उसका जो एंगल है वो पास में बनने लगा है तो भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स, कि इस दवाई को लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एंजाइटी होगी, इस ड्रग को लेने के बाद आपको एंजाइटी रहेगी। एजिटेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन। यूरिनरी हिस्टेंसी, जो यूरिनरी हिस्टेंसी है वो भी होगा।
मोस्टली डिसीज ऐसी होती हैं सभी जिसमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता ही है, और उसके बाद ब्लड वीजर होगा, आपको धुंधला दिखाई देगा, नोजिया होगी, इंसोमनिया होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिसफंक्शन हो जाएगी, पेन फील हो सकता है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन होगा एंड फटीग, हेडेक, आपको थकान रहेगी, दर्द रहेगा, टैकीकार्डिया, आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर रैसेस बन जाएंगे, एंड कोलेस्टेटिक जॉइंटिस्क, और आपको कोलेस्टेटिक जॉइंटिस्क भी हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेक द वाइटल साइन स्पेशली बोथ लाइंग एंड स्टैंडिंग, पेशेंट को लिटा कर भी उसके वाइटल साइन लेने होंगे और उसको बिठा कर स्टैंडिंग पोजिशन में भी, एवरी 2 आवर वाइल इनिशिएट थेरेपी, और 2 आवर के अंदर इनिशिएटेड जो थेरेपी आपको देनी होगी अगर ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइज ड्रग्स इंजेक्शन टू प्रिवेंट हॉर्डिंग फॉर ड्रग्स। नेक्स्ट द डायबिटिक पेशेंट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर हाइपर ग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, जो हाइपर ग्लाइसीमिया वाले पेशेंट और हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करना है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड फ्रीक्वेंटली ऑफ स्टूल, इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करना है, जो फ्रीक्वेंटली स्टूल कितनी बार आया है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और बिना पूछे या बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई को नहीं लेना होगा। और देखते हैं मूड स्टेबलाइजिंग या लिथियम, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर बाई स्टेबलाइजिंग हाई एंड लो दैट कैरेक्टरिस्टिक बाइपोलर इलनेस एंड ट्रीट एक्यूट एपिसोड ऑफ मेनिया, ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है, जो एक्यूट एपिसोड होते हैं मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं वो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखने वाले हैं प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द मैनिया स्टेट, जो रिकरेंस मैनिया स्टेट है उसको प्रिवेंट करना, एंड ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसको भी प्रिवेंट करना होगा। उसके बाद मॉडिफाइज कंसंट्रेशन गाबा इन ब्रेन, मॉडिफाई करें जो गाबा, इट रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरॉन्स टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इट रिड्यूस सेंसिटिविटी जो न्यूरॉन्स हैं हमारे उनको रिड्यूस करना है एक्टिविटी को जो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा निकलती है। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या क्या है, इंडिकेशन बोल सकते हैं या यूज बोल सकते हैं, एक्यूट मैनिया के अंदर लिथियम देंगे, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और अल्कोहल डिपेंडेंस वाले पेशेंट हैं उनके लिए भी बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा होता है जो पेशेंट खाने ज़्यादा खाते हैं, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी, जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है किस किस चीज़ में हमें ये नहीं देनी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कार्डिक और रीनल डिसीज़, जो हार्ट वाली डिसीज़ है उसके अंदर एंड रीनल डिसीज़ है उसके अंदर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के अंदर भी इसको यूज नहीं करते हैं, ब्रेन डैमेज, ब्रेन में कोई इंजरी हुई है उसके अंदर यूज नहीं किया जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन, अगर यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो नहीं यूज कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेग्नेंट वूमन हो सकती है उसके लिए भी यूज नहीं किया जा सकता, एंड जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और उनके लिए भी। साइड इफेक्ट, इस ड्रग्स को लेने के बाद बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, माइल्ड नोजिया होगा, डायरिया, एनोरेक्सिया, रोमर, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, और उसके बाद वेट गेन होने लगेगा, रीनल फंक्शन भी होगा, कोमा एंड डेथ भी हो सकती है, या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसको लेने के बाद। मसल्स वीकनेस रहेगी, मसल्स के अंदर वीकनेस रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेस परफॉर्म नहीं कर पा सकते ज़्यादा, सीजर होगा, आपको दौरे आ सकते हैं, इंक्रीज हाइपर मोटर एक्टिविटी, आप हाइपर एक्टिविटी करेंगे कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो हाइपर होगी, एबनॉर्मल थायरॉइड फंक्शन, जो थायरॉइड फंक्शन होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे सभी के सभी। उसके बाद देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोवाइड द पेशेंट शुगर लेस कैंडी, जिसमें शुगर ना हो वो आपको कैंडी देनी होगी पेशेंट के लिए, फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर फॉर डिहाइड्रेशन, आपको वाटर सिप्स में पीना होगा एक एक घूंट कर, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी होगी, एंड मेडिसिन मे बी टेकन विद फूड टू मिनिमाइज जीआईटी डिसऑर्डर।
मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट वो आप मेंटेन करके रखेंगे। एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी इफ अप्रोप्रिएट, एनकरेज करें पेशेंट को अगर उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज है। एस्टिमेशन ऑफ लिथियम इज ब्लड हैज टू बी रिकॉर्डेड अलोंग विद मेल ड्रग हैज टू बी टेकन टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, अलोंग करें विद मेल के साथ ड्रग्स को यूज किया जाए और मिनिमाइज आपके जो इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे। कार्बामाजीपाइन, ये ड्रग्स हम क्यों यूज करते हैं, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम लाइक टैग्रिटॉल, माजिटॉल, जेप्टॉल एंड जेन रिटार्ड, इन नाम से ये दवाई मार्केट के अंदर मिलती है। और इंडिकेशन देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, इंडिकेशन क्या क्या यूजेस होंगे, सीजर, सीजर के अंदर यूज किया जाएगा, एक्यूट डिप्रेशन, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होगा, एग्रेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी, फ्रिक्वेंटली जैसे सीजर आते हैं तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, साइको इफेक्टिव डिसऑर्डर, कोकीन विड्रॉल सिम्टम, लिम्प पेन, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लिम्प पेन से आपकी लेग्स के अंदर या हाथों के अंदर पेन होगा, जो कोकीन वाले पेशेंट या ड्रग एब्यूज वाले पेशेंट होते हैं उनको विड्रॉल सिम्टम आएंगे। डोजेस, द एवरेज डेली डोज इन 60 to 1800 mg ओरली इन डिवाइडेड डोज, मतलब 600 to 1800 mg डोज देनी है एक दिन के अंदर वो भी डिवाइड करके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज मूड स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली स्टेबलाइजिंग, इट इज एंटी कन्वल्सेंट एक्शन, मे हाउ एवर बी बाय डिक्रीजिंग सिनेप्टिक ट्रांसमीटर इन द CNS, जो सिनेप्टिक होते हैं उनको कम किया जाएगा। साइड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, अटैक्सिया, हाइपरटेंशन, एरिदमिक, स्किन रैसेस होंगे, हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो जाएगा, ऑलिग्यूरिया, 400 ml से ब्लड और यूरिन कम आउटपुट होगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करनी होंगी अपनी। सिंस द ड्रग में कॉजेस डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, एडवाइज हिम टू अवॉइड ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटी रिक्वायरिंग अल्टरनेस, एडवाइज पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हेन ही इज ऑन द ड्रग, जो आप ड्रग ले रहे हो तो आपको एल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी होगी, एल्कोहल को नहीं लेना होगा। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलो अप विजिट, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड काउंट एंड मॉनिटर ऑफ कार्डियक, रीनल, हेपेटिक एंड बोन मैरो फंक्शंस, एम्फेसाइज करना होगा जो इम्पोर्टेंस रेगुलर चेकअप कराएं वो अपना विजिट कराएं, पीरियोडिक एग्जामिनेशन कराएं, मतलब टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होगा, ब्लड उनका काउंट किया जाएगा, मॉनिटरिंग, कार्डियक फंक्शन चेक कराएं, रीनल डिसीज हो सकती है, रीनल फंक्शन चेक कराएं, एंटी पार्किंसनिज्म एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एमेंटोडाइन एंड द एंटी हिस्टामिन्स हैव देयर प्राइमरी यूज एज ट्रीटमेंट फॉर मेडिकेशन, एंटी हिस्टामिन इसमें यूज किया जाता है, एंटी कोलिनर्जिक, बेंजोट्रोपिन एंड बाइपेरिडॉन और डोपामिनर्जिक एजेंट होगा, ब्रोमोक्रिप्टाइन, कार्बिडोपा, लिवोडोपा, मोनो एमाइनो ऑक्साइड, टाइप बी सेलेजिलाइन, इंडिकेशन ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, एडजेक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, ये इसकी इंडिकेशन होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक वेसिकल, ब्लॉकिंग द री अपटेक ऑफ डोपामिन इनटू प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स और बाय एक्सर्टिंग एंड एगोनिस्ट इफेक्ट एंड पास्ट सिनेप्टिक डोपामिन रीअपटेक्स। उसके बाद देखते हैं साइड इफेक्ट, डिजीनेस, नर्वसनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, हाइपोटेंशन, कार्डियक, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन एंड ड्राई माउथ। नोजिया होगा और वोमिटिंग होगी। उसके बाद देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असेस पार्किंसनिज्म एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, कॉशन पेशेंट टू मेक पोजीशन चेंज स्लोली टू
मिनिमाइज ऑटो स्टेटिक क्वेश्चन होगा, पेशेंट जो मेक पोजिशन चेंज, पोजिशन चेंज करते रहे पेशेंट की, और ऑटो स्टेटिक हाइपोटेंशन, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट फ्रीक्वेंट राइजिंग ऑफ माउथ एंड गुड ओरल हाइजीन। फ्रीक्वेंटली वो पेशेंट माउथ से कुछ ना कुछ लेते रहे एंड गुड ओरल हाइजीन, और उसकी जो ओरल हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगी और उसको मेंटेन करके रखें। क्वेश्चन, पेशेंट दैट दिस मेडिकेशन डिक्रीज परस्पिरेशन एंड ओवर हीटिंग में अकर ड्यूरिंग हॉट वेदर।